दोस्तों कैसे हैं आप सभी अगर आप लोग वेजिटेरियन हैं तो अभी वीडियो को यहीं पे स्किप कर दें वरना बाद में आप गाली देंगे क्योंकि आज नॉनवेज थाली है आज हम चिकन चिल्ली मतलब चिली चिकन जिसे बोलते हैं वो बनाने वाले हैं और अंडा फ्राइड राइस बनाने वाले हैं मेरी रेसिपी है तो सिंपल तो होगी ही बिल्कुल भी ज़्यादा ताम नहीं होगा और ईजिली बन जाएगी आपके घर में अगर कुछ नहीं भी है फिर भी बना सकते हैं मैं बहुत बड़े बड़े शेफ की तरह ही नहीं कि ये चाहिए चाहिए नहीं तो नहीं बनेंगी ये ठीक है तो चलो बनाते हैं तो हमने बोनलेस चिकन लिया है चार सौ ग्राम के लगभग चिकन है सत्तर uh, रुपये का चिकन लिया है मैंने मतलब बोला कि ज़्यादा बनाना नहीं है तो कम है तो इसमें कलर डाला है नमक डाला है कलर अवॉइड कर सकते हैं ज्ञान नहीं पेल सकते हैं अगर नहीं डालना है तो मत डालना कलर अंडा डाल देना अंडवा अपना एक और उसके बाद चार चम्मच इसमें कॉन्फ्रा डाल देना ठीक है अब आपको कुछ भी इसमें मतलब बहुत सारा ऐसे ज्ञान पेलने वाली बात नहीं है अच्छी तरह इसको मिला लेना है ठीक है अच्छी तरह इसमें कोटिंग हो जानी चाहिए बस इतना ही है कोई रेस्ट नहीं देना कोई पेस्ट नहीं देना कुछ नहीं करना फ्लेम मतलब ये जो ऑयल जो आप गर्म करोगे ना वो हाई फ्लेम पे गर्म करना और जैसे पकोड़े तलते हैं ना ऐसे उंगलियों से ऐसे ऐसे करके अलग अलग करके थोड़ा सा डाल देना फ्लेम हाई है ठीक है जब आपका सारा इसमें चिकन आप डाल दो जितने आपके ऑयल में आते हैं उसके बाद फ्लेम को आपको मीडियम कर देना है फ्लेम मीडियम हो जाए फिर सिंपली इसको ऐसे रोटेट करते हुए चिकन पक जाए इतना पकाना है आठ से सात आठ मिनट लगेंगे इससे ज्यादा पकने में इसको नहीं लगेगा बहुत लोग बोलेंगे और चिकन सात आठ मिनट पक जाए अरे भाई ऑयल में तल रहा है तुम बैठ के देख लो इसमें पकोगे कि नहीं है खैर इन्हें आपको निकाल लेना है अब क्या करना है उसी में आपको दो चम्मच ऑयल छोड़ना है दो अंडे डालने हैं अंडों को ऐसे रबड़ चौथड़ा ऐसे घसड़ नहीं देना है मतलब उसका भुर्जी नहीं बना हल्के हाथ से बस उसको सहलाना है बस एक मिनट तक उसको थोड़ा सा फिर ऐसे सहलाते हुए जब लग गए अंडे पक गए तो अंडों को साइड में कर दीजिएगा ये अंडे एंडो की बात हो रही है ठीक है इसमें चॉप किया हुआ लहसुन एक चम्मच आधा चम्मच चॉप किया हुआ अदरक ये आपको इसमें डाल देना है अब सबको एक साथ लबड़ चौथर कर लेना है मतलब कि मिला लेना है मेरे कहने का मतलब ये है तो सबको एक साथ मिलाते हुए आप एक मिनट तक पका लीजिएगा तब तक कि मतलब अदरक और लहसुन भी पक जाएंगे फिर उसके बाद आपके पास जो भी सब्जियाँ शिमला मिर्च प्याज पत्ता गोभी भुंया गाजर वो सब डाल दीजिएगा आपको जितना पसंद है उतना वो वो चीज डाल दीजिए कम ज्यादा कोई इसमें वो नहीं है ठीक है फिर दो मिनट तक आपको इसको पकाना है ऐसे उछालने की जरूरत नहीं है नॉर्मली आप मिलाते हुए जैसे ग्रहणियाँ पकाती हैं वैसे पका सकते हैं मैं थोड़ा स्टाइल मार रहा हूँ अब ये बॉइल्ड राइस है अब फ्राइड राइस बनाने के लिए आपको दो घंटे पहले ही आपको राइस को बॉईल कर लेना है इतना कर लीजिएगा अब सेजवान चटनी एक चम्मच डाल देनी है साथ ही साथ आपको इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल देना है चौथाई चम्मच उसके बाद आपको इसमें ऐड कर देना है ये मोटो अगर रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर चाहिए तो अगर नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं ठीक है इसमें ग्रीन चिली सॉस या रेड चिली सॉस आपको दो चम्मच डाल देना है सोया सॉस एक चम्मच डाल देना है उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है ये लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी स्पाइसीनेस के लिए जितना आप खाएं फ्लेम जितना हो सके आपको हाई रखना है और बस इसको टोस्ट करना है। मतलब ऐसे मिलाते हुए इसको पकाना है दो मिनट तक तो लग ही जाएंगे और ये बनके तैयार हो जाएगा हमारा अंडा फ्राई राइस इसके ऊपर थोड़ा हरा धनिया डाल दीजिएगा अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि हम दूसरे की जो कढ़ाई तो एक ही है ना हाँ तो प्लेट में निकाल लेंगे अब हम फिर से लगभग दो चम्मच के जितना ऑयल ले लेंगे और इसमें आपको डाल देना है चॉप एक चम्मच लहसुन और एक चम्मच अदरक फ्लेम हाई रहेगा क्योंकि नॉर्मली चाइनीज़ रेसिपी में ना जो फ्लेम होता है वो हाई रहता है ठीक है 20 से 25 सेकंड पका लेंगे अब मेरे पास प्याज है जिनकी कलियाँ उघेड़ दी हैं और शिमला मिर्च बड़े बड़े कट किए हुए आ, ये दो चीज़ें लिया गाजर है तो वो डाल दीजिएगा ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं ठीक है तो हमने दो मिनट पका लिया फिर से इसमें दो चम्मच सेजवान चटनी उसके बाद इसमें सोया सॉस एक चम्मच आपको डाल देना है उसके बाद आपको इसमें डाल देना है ग्रीन चिली या रेड चिली सॉस दो चम्मच थोड़ा सा एंजिनो मोटो डालेंगे मैंने जैसा पहले ही बोला कि डालना है तो डालो ज्ञान मत पे लो ठीक है लाल मिर्च पाउडर और इसमें ब्लैक पेपर पाउडर लगभग आधा चम्मच इसमें थोड़ा ज़्यादा डालिएगा स्पाइसी होगा थोड़ा पानी अगर आपको थोड़ी ग्रेवी बनानी है तो थोड़ा कॉर्नफ्ला को मिक्स करके पानी में डाल दीजिएगा ग्रेवी बनानी है तो नहीं मुझे नहीं बनानी है मुझे मतलब ऐसा सूखा सूखा ही पसंद है तो मैंने नहीं डाला ऐसा कुछ चिकन डाल दिया चिकन डालने के बाद अच्छी तरह मिलाना है दो मिनट तक इसको भी पकाना है ऊपर से थोड़ा हरा धनिया नॉर्मली लोग प्याज के पत्ते वो आते हैं ना वो डालते हैं बट मेरे पास नहीं है तो हरा धनिया से काम चल जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है अब हमारी चिकन चिल्ली भी बन तैयार हो चुकी है चिली चिकन मैं उल्टा बोल दे रहा हूँ मेरे मुंह में पानी भी आ चुका है और आपके मुंह में भी आ ही गया होगा पानी आ चुका है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मिले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो एक नए रेसिपी के साथ बाय मिलते हैं और ये देखिए धना दन रहा हूँ मैं मतलब पूरा प्लेट मैंने खाली किया पता है?